इंडिया में सबसे सस्ती टर्बो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां कौन कौन सी हैं, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा आज मैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। हुंडई क्रेटा। क्रेटा एक 5-सीटर एसयूवी कार है और गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन अभी 2020 में ही लॉन्च किया गया है। इस गाड़ी में एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 1353 cc यानी कि 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जिसकी पावर 138 bhp की और टॉर्क 242 Nm का। इसका माइलेज है 17 km/l का। इस इंजन में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है और गाड़ी में इसके अलावा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। और ये दोनों इंजन आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में मिलते हैं, बस टर्बो वाला छोड़कर। और गाड़ी के टर्बो बेस वेरिएंट की, जिसका नाम है SX टर्बो, उसकी एक शोरूम कीमत है 16,16,000 रुपये की, जो कि टर्बो इंजन वाला महंगा वेरिएंट है। फिर आइए किया सेल्टोस। सेल्टोस एक 5-सीटर SUV कार है और गाड़ी को इंडिया में 2019 में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी में एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 1353 cc यानी कि 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि आपको क्रेटा में मिलता है बिल्कुल सेम, बल्कि इस कार का क्रेटा में मिलता है क्योंकि ये कार पहले आई थी। इसकी पावर है 138 bhp की और टॉर्क 242 Nm का। इसका माइलेज है 16 km/l का। इसके अलावा गाड़ी में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। और ये कार ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में मिलती है। और गाड़ी के टर्बो बेस वेरिएंट की कीमत है, जिसका नाम है GTX, उसकी कीमत है 15,54,000 रुपये से। फिर आइए हुंडई वर्ना। वर्ना एक 5-सीटर सेडान कार है। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन 2020 में लॉन्च किया गया था, यानी कि अभी कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। और गाड़ी में एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 998 cc का यानी कि 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जिसकी पावर 118 bhp की और टॉर्क 171 Nm का। गाड़ी का माइलेज है 19 km/l का। और इस इंजन में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है, मैनुअल नहीं मिलता। इसके अलावा गाड़ी में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इन दोनों इंजन में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी के टर्बो पेट्रोल बेस वेरिएंट, जिसका नाम है SX ऑप्शनल टर्बो, उसकी कीमत है 13,99,000 रुपये की। वॉक्सवैगन वेंटो। वेंटो एक 5-सीटर सेडान कार है। इस गाड़ी में टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, बल्कि इस कार के बेस वेरिएंट से ही आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। इसमें एक ही इंजन का ऑप्शन मिलता है, वो भी टर्बो पेट्रोल इंजन का। इसमें 999 cc का यानी कि 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 108.6 bhp की और टॉर्क 175 Nm का। इसका माइलेज है 16 km/l का। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 8,86,000 रुपये की। फिर आई हुंडई ओरा। ओरा एक 5-सीटर सेडान कार है और गाड़ी को इंडिया में 2019 में लॉन्च करा गया था। इस गाड़ी में भी एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 998 cc का यानी कि 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जिसकी पावर 99 bhp की और टॉर्क 171 Nm का। इसका माइलेज है 20 से 22 km/l के बीच में। इस इंजन में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। इसके अलावा गाड़ी में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इन दोनों इंजन में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। और गाड़ी में एक CNG का ऑप्शन भी मिलता है जो कि 1.2 लीटर वाले में है। गाड़ी के टर्बो बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है, जिसका नाम है SX प्लस टर्बो, 8,54,000 रुपये से। फिर आई हुंडई वेन्यू। वेन्यू एक 5-सीटर SUV कार है और गाड़ी को इंडिया में 2019 में लॉन्च किया गया था। इस कार में एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 998 cc का यानी कि 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जिसकी पावर 118 bhp की और टॉर्क 171 Nm का और माइलेज 18 km/l का। इस इंजन में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा गाड़ी में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। ये दोनों इंजन भी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं। और गाड़ी के टर्बो पेट्रोल बेस वेरिएंट की, जिसका नाम है एस टर्बो, उसकी कीमत है 8,46,000 रुपये की। फिर आइए वॉक्सवैगन पोलो। पोलो एक 5-सीटर SUV कार है। इस गाड़ी में एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 999 cc का यानी कि 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है,
जो कि आपको वेंटो में मिलता है, बिल्कुल सेम इंजन और पावर भी सेम और टॉर्क भी सेम, बस माइलेज का फ़र्क आएगा। इसकी पावर 108.6 bhp की और टॉर्क 175 nm का और माइलेज है 18.78 kmpl का। इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और गाड़ी में इसके अलावा 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि बिल्कुल वो टर्बो नहीं है, MPI है। और गाड़ी के टर्बो पेट्रोल बेस वेरिएंट की यानी कि TSI एडिशन टर्बो वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 7,89,000 रुपये से। फिर आई हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज़। ग्रैंड i10 न्यूज़ एक 5-सीटर हैचबैक कार है और सबसे सस्ती टर्बो पेट्रोल इंजन वाली कार है। इस गाड़ी को इंडिया में 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन टर्बो पेट्रोल इंजन इसी साल आया है। इस गाड़ी में एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 998 cc का यानी कि 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर 99 bhp की और टॉर्क 171 nm का। इसका माइलेज है 21 kmpl का और इस इंजन के ऑप्शन में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। गाड़ी में इसके अलावा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। इन दोनों इंजन में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और गाड़ी में CNG का ऑप्शन भी मिलता है। गाड़ी के टर्बो पेट्रोल बेस वेरिएंट की कीमत है, जिसका नाम है टर्बो स्पोर्ट्स, उसकी कीमत है 7,70,000 रुपये की। ये वो गाड़ियां हैं जिनमें टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। आपको इनमें से कौन सी कार सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।